नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल फूडियम पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पोहा की एक और नई रेसिपी, जिसे हम ब्रेकफास्ट में, अपने टी टाइम में, किसी भी टाइम बना सकते हैं। घर में गेस्ट आने वाले हों तब भी वो बहुत जल्दी झटपट बनकर रेडी हो जाती है। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। अब हम सबसे पहले लेंगे एक बाउल और उसमें डालेंगे 2 बाउल ही पोहा के, और इसको अच्छे से हम पहले वॉश कर लेंगे। इसको अच्छे से हम वॉश कर लेंगे, जो डस्ट है वो इसकी निकल जाएगी। अब हम इसको छान लेंगे। ये पोहा को मैंने छान लिया है अच्छे से वॉश करके। अब हम लेंगे एक बड़ा बाउल और उसमें ये पोहा डाल देंगे और साथ में थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि ये पोहा और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ मैं 1/4 कप पानी डाल रही हूँ और इसको हम इसी तरीके से ढककर रख देंगे 5 मिनट के लिए। अब हम यहाँ लेंगे ब्रेड, यहाँ मैं वाइट ब्रेड ले रही हूँ, और इनको हम क्रश कर देंगे इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में। इस तरीके से हम इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेंगे और लेंगे एक जार, उसमें ये सारी ब्रेड्स हम डाल देंगे और इसे हम इसी तरीके से बारीक पीस लेंगे। बिल्कुल पाउडर फॉर्म में कर लेंगे हम इसे। अब हम अपने पोहे को एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए, बिल्कुल अच्छे से फूल गया है, सॉफ्ट हो गया है। इसको अच्छे से हम गूंथ लेंगे, बिल्कुल एक डो जैसा हम इसे अच्छे से गूंथ लेंगे। इसको हमने अच्छे से गूंथ लिया है, ये देखिए। अब हम इसमें डालेंगे जो हमने ब्रेड को पीस के रखा है, और इसको भी हम इसके साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर लगेगा कि डो हमारा थोड़ा सा टाइट हो रहा है तो अब हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे इसमें दही और अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए, ब्रेड्स हमारी बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गई हैं पोहे के साथ। अब हम यहाँ डालेंगे प्याज, हरी मिर्च स्वाद अनुसार जैसा आप खाते हों, चिली फ्लेक्स, हरा धनिया, थोड़ा सा गरम मसाला, जीरा पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, और इन सबको हम मिक्स कर लेंगे। ये हमारा डो बनकर रेडी हो गया है। अब हम इन्हें शेप देंगे। अब हम लेंगे थोड़ा सा बैटर और इसको हाथों की मदद से ऐसे शेप देंगे। आप इसे टिक्की की शेप भी दे सकते हैं, कटलेट की शेप भी दे सकते हैं। इस तरीके से हम इसे शेप दे देंगे बड़े की। आप किसी भी तरीके से इसको शेप दे सकते हैं। इसी तरीके से हम सारा बैटर को बना लेंगे। हम सबसे पहले लेंगे कढ़ाई और उसमें मैंने ऑयल डाल के उसको अच्छे से गर्म कर लिया है, और हमने जो ये बड़े बनाए हैं पोहा के, इसको हम इसमें डाल देंगे। और गोल्डन ब्राउन होने तक हम इन्हें इसी तरीके से डीप फ्राई कर लेंगे। अभी हम इन्हें जल्दी से हिलाएंगे नहीं, और फ्लेम को हम यहाँ पर मीडियम कर लेंगे ताकि ये अंदर से भी अच्छे से पक सकें। अब एक बार हम इनको पलट लेंगे। देखिए, आराम से पलटे जा रहे हैं। तो इस तरीके से करके हम इन्हें दोनों तरफ से पका लेंगे। ये देखिए कितना सुंदर कलर आया है। इसी तरीके से हम अपने और भी बड़ों को फ्राई कर लेंगे। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। ये अच्छे से हमारे फ्राई हो चुके हैं। ये देखिए, ये हमारी रेसिपी बनकर रेडी हो गई है। कितनी जल्दी बनी है। आप इसे चाय के साथ, टोमेटो सॉस के साथ, किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये बच्चे हों या बड़े, सभी को बहुत पसंद आएगी। आप अपने गेस्ट के सामने इसको सर्व करें, उन्हें भी बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।